कार से किया अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, देखिए मंदसौर की विशेष खबर। मंदसौर की नारायणगढ़ पुलिस ने एक बार फिर 100 किलो मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद करते हुए मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए मादक पदार्थ की कीमत करीब 1,10,000 रुपए बताई जा रही है। नाहरगढ़ थाना SI अभिषेक बोरासी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में डोडा चूरा तस्करी की सूचना मिली है। इसी आधार पर पुलिस ने नापाखेड़ा जोधा पिपलिया रोड पर घेराबंदी करते हुए कार क्रमांक RJ 27UB 9243 को रोककर तलाशी लेने के दौरान कार में रखा 100 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया। मौके से कार चालक नरेंद्र सिंह पिता, ईश्वर सिंह कचावा सोंधिया राजपूत उम्र 26 निवासी RD नाहरगढ़ को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अवैध डोडा चूरा अर्जुन पिता परशुराम डांगी निवासी सुधवास नाहरगढ़ से लेकर आया था और सुसनेर निवासी किसी मोनू नाम के शख्स को देने जा रहा था। इसी दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित डोडा चूरा लेने और देने वाले को भी आरोपी बनाया है। सभी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत है। आज पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड में मांगेगी। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।